भारत और पाकिस्तान मैच से भी बड़ा कोई मैच है जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है, तो वो है द एशेज ट्रॉफी। इस सीरीज का इतिहास भी बहुत खास है। 21वीं शताब्दी में इस सीरीज में जो ट्रॉफी है उसके अंदर जो राख है उसने हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी कहानियां संजो कर रखी हैं। इन कहानियों में नफरत से लेकर प्यार भी मौजूद हैं। वीडियो को आगे बढ़ें उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। एशेज ट्रॉफी की शुरुआत इसके पीछे इसके नाम की कहानी की शुरुआत अगस्त 1882 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दौरे पर आई थी। इस दौरान अवल के मैदान में एक मैच खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह इंग्लैंड के लिए बहुत चुभने वाली हार थी। वह इसे सहन नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का गुलाम देश था। इंग्लैंड के हार से परेशान स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा, उसने आग और भड़काने का काम किया। स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा, आज इंग्लैंड क्रिकेट की मृत्यु हो गई है और उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी जो राख है वो ऑस्ट्रेलिया लेकर गया है। इसके बाद इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत विरोध किया। विरोध को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की जनता से वादा किया कि वह ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वह राख वापस लेकर आएंगे। इसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई। हार के डर से उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस मैच खेले गए। ऐसा ही एक मैच खेला गया रदरफर्ड में। इस मैच में एक मेलबर्न में संगीत से जुड़ी एक महिला ने विकेट से बेल उतारी और उसने उस बेल को जलाकर एक उसकी जो राख है एक परफ्यूम की बोतल में भर ली। फिर इंग्लैंड के कप्तान को इवो ब्लाई को एक पार्टी में देखकर मर्फी ने कहा, मैच तो आप किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, ये राख अपने देशवासियों के लिए लेकर जाइए, और बोले कि वह राख वापस लेकर आ गए हैं। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट वो सीरीज जीत गई और इस सीरीज जीतने के बाद जब कप्तान वापस गए इंग्लैंड तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जो हमारी राख हमारे खिलाड़ियों की राख ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे हम उसे वापस लेकर आ गए हैं। इसके बाद कप्तान फिर ऑस्ट्रेलिया गए, इस बार वो क्रिकेट के लिए नहीं प्यार के लिए। उन्होंने वहाँ मर्फी को प्रपोज किया। मर्फी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद इंग्लैंड कप्तान इवो ब्लाई की मृत्यु के बाद मर्फी ने वह एशेज से भरी जो राख की ट्रॉफी थी वह MCG में रख दी। उसके बाद से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज में आज कल वही ट्रॉफी यूज होती है जिसमें वह राख भरी हुई है उस बोतल में। ये 1990 के बाद ऑफिशियली हो गया था कि हर 2 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसी एक सीरीज खेली जाएगी जिसका नाम था द एशेज ट्रॉफी। इस ट्रॉफी में ये इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए वर्ल्ड कप से भी बड़ी ट्रॉफी है। उनके लिए ऐसे सीरीज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में भी कई बार ब्रेक दिया है।